दोस्तों टेक्नोलॉजी हमारे काम को दिनों दिन आसान बनाती जा रही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें उन गैजेट्स के बारे में पता ही नहीं होता है और जिसकी वजह से हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं। तो हम दोस्तों अपनी वीडियोस की मदद से आप तक कुछ ऐसे ही गैजेट्स पहुंचाते हैं जिनका इस्तेमाल कर सकें आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में। तो आज की वीडियो में भी हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे ही गैजेट्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर, जहां पर मैं आपके लिए ढेर सारी गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही गैजेट्स के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, सैमसंग बेली। दोस्तों आजकल घरों में काफी सारे स्मार्ट होम असिस्टेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक ऐसा स्मार्ट होम असिस्टेंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बल्कि वो आपके वो सारे काम करे जो कि आप चाहते हो, तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों अभी हाल ही में हुए CES Expo 2020 यानी कि 2020 में कुछ ऐसे गैजेट्स सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये एक छोटा सा गैजेट होता है जो कि एक ऐसा असिस्टेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा आपके घर में। दोस्तों देखने में तो ये एक बॉल जैसा लगता है, लेकिन इसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होती है सैमसंग की तरफ से, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाली है। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये आपकी कमांड के बिना ही आपको रिएक्शन देता है, यानी कि इसको जो काम करना है वो समय के हिसाब से खुद ब खुद डिसाइड करेगा और उसी हिसाब से आपको आउटपुट देगा। यानी कि अगर आपने इसमें सुबह का अलार्म लगा रखा है तो ये फौरन आपके पास आएगा और आपके पास वाली विंडो को ओपन कर देता है, जिससे कि धूप की रोशनी आपकी आंखों तक पहुंच पाए और आप भी अपनी नींद को भुलाकर इसके साथ खेलने में लग जाएं। ये गैजेट आपके घर में एक छोटा सा इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है जो कि आपके सारे स्मार्ट होम गैजेट्स को आपस में कनेक्ट रखता है और साथ ही आपकी मर्जी के हिसाब से आपको उनके कंट्रोल्स अवेलेबल कराएगा, जिससे कि आप आसानी से उसे यूज कर पाए। दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी काफी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जिससे कि ये आपको आसानी से पहचान सकता है और साथ ही ये आपके जेस्चर्स और फेस एक्सप्रेशन को भी समझने में काफी हद तक सक्षम है। तो दोस्तों आने वाले समय में इस तरीके का गैजेट वाकई एक हमारा फ्यूचर होगा, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में कर पाएंगे। की बैग। दोस्तों अगर आप एक बैकपैक खरीदने का मूड बना रहे हो और एक ऐसा अट्रैक्टिव बैकपैक परचेस करना चाहते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगे, तो ये गैजेट आपको बेहद पसंद आने वाला है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली काफी सारे बैकपैक्स अवेलेबल हैं जिनमें LED लाइटिंग वगैरह लगी होती है, लेकिन दोस्तों ये बैकपैक उनसे काफी ज्यादा डिफर रहेगा, क्योंकि इसके बैक सेक्शन पर जो LED लाइटिंग्स लगी होती है वो कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। वहीं दोस्तों आप चाहें तो उसे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कराकर अलग अलग थीम्स में भी जला सकते हैं और साथ ही ये दोस्तों शॉर्ट मैसेज को शो के लिए बहुत ही कमाल की लाइटिंग्स रहती हैं। आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन ऐप से कनेक्ट करके अलग अलग तरीके की इमोजीज वगैरह को भी यूज कर पाएंगे, जो कि और भी ज्यादा एट्रैक्टिव बनाती है इस बैकपैक को। दोस्तों अगर बात करी जाए इस बैकपैक के शेप की, तो ये एक हार्ड शेल का बना होता है जिसमें आप किसी भी तरीके के सामान को आसानी से कैरी कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों ये बैकपैक लैपटॉप पर कैमरास वगैरह के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके का हार्ड शेल का बना होने की वजह से पूरी तरीके से वाटरप्रूफ भी रहेगा, जिसमें कि आप आसानी से किसी भी सामान को कैरी कर पाएंगे। फोकस बड्स। दोस्तों किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए हमारा फोकस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आजकल की दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रक्शन आ चुके हैं कि अगर आप किसी काम पर फोकस करने चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भटक ही जाएगा, और सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें आपका मोबाइल फोन वगैरह और सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से बचकर अपने आप को एक ही जगह पर फोकस करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों वैसे तो ये एक ईयरबड्स होती है जिसे कि आपको अपने कानों पर लगाना होगा, लेकिन इसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आपकी पूरी माइंड वेव्स को रीड करती हैं, और जैसे ही आप हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने काम से तो इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि कहीं ना कहीं आपको वार्न भी करती है, और साथ ही फोकस करने में आपको ये साउंड बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। वहीं दोस्तों इस तरीके का गैजेट आपके माइंड को एकदम रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से रात में जब आप सोने चलेंगे तो आपको एक बेहद हल्का पेन महसूस होगा। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद करता है आपको फोकस रखने में, और साथ ही दोस्तों ये आपके बेहतरीन ब्रेन ट्रेनर के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। ओहो एडिबल पैकिंग। दोस्तों अगर आप कहीं किसी ट्रैवल पर जा रहे हो तो ये गैजेट आपके बेहद काम आने वाला है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा देखा जाता है कि अगर हम किसी फूड को अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं तो काफी सारी फॉइल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसे अपने साथ में रखने के लिए। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी एडिबल पैकिंग होती है जिसमें कि आप किसी भी फूड को अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। ये पैकिंग एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, और साथ ही अगर आपकी बॉडी में ये चली जाती है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए ये एक एडिबल पैकिंग
पैकिंग हो जाती है, जहां पर आप पानी के साथ साथ काफी सारे छोटे मोटे फूड आइटम्स को लेकर कैरी कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इस तरीके की पैकिंग का इस्तेमाल ट्रैवलिंग पर्पस किया जा सकता है, जिससे कि आप आसानी से अपने मनपसंद खाने का मजा ले सकें। नॉप्स दोस्तों, क्या आपके साथ कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि आपके सामने वाला बहुत तेज तेज बोल रहा हो और आप उसे धीमे करके सुनना चाहते हो, लेकिन दोस्तों रियल टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और अगर बात करी जाए कि कोई बहुत धीमे धीमे बोल रहा हो और आप उसकी आवाज बढ़ाना चाहते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट को। दोस्तों इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें वॉल्यूम रॉकर्स लगे होते हैं, जिसे कि आप अपने कानों में लगा सकते हैं, और इसमें किसी भी तरीके की बैटरी वगैरह भी इंक्लूड नहीं होती है। बस आपको इसके वॉल्यूम रॉकर्स को रोटेट कराना होगा, जिसके बाद आप खुद ब खुद किसी भी साउंड को धीमा या तेज कर सकते हैं। ये गैजेट पूरी तरीके से रियल टाइम में वर्क करता है, जिससे कि इसे यूज करना बेहद आसान हो जाएगा। देखने में तो ये एक ईयरबड्स जैसे लगते हैं, लेकिन वाकई में इसमें किसी भी तरीके का कोई ब्लूटूथ कनेक्शन या फिर बैटरीज वगैरह इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि ये एनवायरनमेंट से ही साउंड को पिक करता है और उन्हें मॉडिफाई करके आपके कानों तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट वाकई काफी ज्यादा कमाल का हो जाता है। तो अगर आपको भी ऊंचा सुनने का शौक हो या फिर कोई बहुत ज्यादा तेज तेज आपके सामने बोल रहा हो और आप उसकी आवाज को कम करके सुनना चाहें, तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। क्रिकुल दोस्तों, अगर आप एक वाटर बॉटल परचेस करने वाले हो तो एक बार इस गैजेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली तो हम लोग जो सिंपल वाली वाटर बॉटल्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप पानी में एक हल्का सा फ्लेवर चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए वो काम कर सकता है। दोस्तों इसके साथ आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिल जाते हैं, जिसको इसकी कार्टेज में डालना होता है, जिसके बाद आप बॉटल में उस कार्टेज को फिट करके आसानी से अपने नॉर्मल वाटर को एक फ्लेवर्ड वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करी जाए, इसमें आपको ढेर सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई अलग से इंग्रेडिएंट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें फ्लेवर को चूज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये कार्टेज पूरी तरीके से डिटैचेबल होती है, जिससे कि आप आसानी से जब चाहें इसे निकाल कर साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है अगर आप भी फ्लेवर ड्रिंक वगैरह लेना पसंद करते हो। स्नोर सर्किल दोस्तों, अगर आपको रात में सोते समय खर्राटे आते हो और आप इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, तो एक बार आप इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा गैजेट होता है जिसको आपको अपनी नेक पर लगाना होगा, जिसके बाद ये आपके खर्राटों वाली प्रॉब्लम को एकदम पूरी तरीके से सॉल्व कर देगा। ये छोटा सा गैजेट 10 से लेकर 60 हर्ट्ज के माइक्रो इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे कि आपको अपने गालों पर एक हल्का सा दबाव महसूस होगा, जो कि मदद करता है कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन तरीके से सांस लेने में। साथ ही इसी तरीके से ये आपकी खर्राटों वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आप आसानी से चैन की नींद सो पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट साइज में तो बेहद छोटा रहता है, लेकिन इसके यूजेस देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो जाते हैं। तो अगर आपको भी रात में सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती हो, तो आप एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। एडाप्रॉक्स फिंगरबॉट दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्मार्ट अप्लायंसेस आ गए हैं जिन्हें कि आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पुराने अप्लायंसेस हैं जिन्हें कि आप अपग्रेड करना चाह रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट अप्लायंसेस इतने ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं कि उन्हें नॉर्मली परचेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप अपनी अगर पुरानी चीजों को ही अपग्रेड करना चाहते हैं एक स्मार्ट अप्लायंसेस के तौर पर, तो ये गैजेट इसमें आपकी मदद करेगा, जिससे कि आप आसानी से उसे रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा स्विच होता है जिससे आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपके नॉर्मल अप्लायंसेस ही रिमोटली कंट्रोल हो पाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा गैजेट रिमोटली एक्सेस हो सकता है कहीं से भी। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है, जहां से आप जब चाहे इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इससे रिलेटेड डिवाइस भी इसकी मदद से आसानी से ऑन एंड ऑफ हो सकती है, जिससे कि आप कहीं भी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे इसके ऐप की मदद से। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट किसी भी चीज को रिमोटली एक्सेस करने में आपकी मदद तो करेगा ही, वहीं दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह को भी इसकी मदद से कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी पुरानी डिवाइसेस को ही अपग्रेड करना और चाहते हैं कि आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर पाएं, तो ये गैजेट एकदम परफेक्ट हो जाता है इस काम के लिए। वहीं इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा, ये साइज में बेहद छोटा होता है। आप जिस भी तरीके के स्विच में चाहे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें सक्शन आर्म होती है, जो कि किसी भी तरीके के स्विच में आसानी से सेट हो जाती है, और जरूरत पड़ने पर आप जब चाहे उसे निकाल भी पाएंगे वहां से। तो दोस्तों इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कुछ ऐसे कूल एंड इंटरेस्टिंग गैजेट, जिनका इस्तेमाल आप अपने काम को और भी ज्यादा आसान बनाने में कर सकते हैं। तो कैसे लगे हैं आपको ये गैजेट से, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दोस्तों अगर आप इनमें से चाहते हैं किसी गैजेट को परचेज करना या इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।